संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में दो युवकों को विजिटर गैलरी से कूदना कहीं ना कहीं साजिश और षड्यंत्र की ओर इशारा है। उन्होंने कहा, मुझसे प्रतिष्ठित अखबारों के लोगों ने बताया कि उन नौजवानों से पत्रकारों ने की बात तो पता चला उनको नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा था, तभी ऐसा किया। गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए युवा कूदे। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा, जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी, और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं। जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। और अभी लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं,